scheiß för alla vad jag gör då. Jag hittar klubben som om vardag var en lördag. गाइस मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं द किंगर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज मेरी एक और वीडियो आने वाली है चिप्स की, चिप्स टाइप्स ऑफ चिप्स ईटर्स। तो वो वीडियो बाद में आएगी, अभी मेरा व्लॉग चल रहा है इस वक्त, आज ही आएगी वीडियो, आज क्या कल, अभी मेरा व्लॉग चल रहा है। मैं अभी मेरे नाना के फार्म पर आया हूँ और यहाँ पर बहुत सारे चिक्स, यहाँ पे हमारे पास चिक्स हैं। उसके बाद हमारे पास एग्स भी आते हैं घर के लिए। उसके बाद बता दूँ आपको, हमारे पास 20 से 25 मुर्गियाँ हैं, 20 to 25 वी हैव मुर्गीज एग, और साथ ही साथ हमारे पास तीन मुर्गे भी हैं, और हमारे पास चिक्स भी हैं, अभी न्यू बॉर्न बेबीज भी हुए हैं आधे घंटे के हैं लगभग वो, और साथ ही साथ हमारे पास 25 डेज के चिक्स भी हैं। तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। ये हमारे पास कड़कनाथ के चिक्स हैं, बहुत हैं, 10 to 12 डेज के ही हैं। ये हमारे नाना का फार्म है, यहाँ पे ये लाइट लगाई गई है और इनका खाना है, ये सब है। या आज का व्लॉग बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। अभी जस्ट 10-15 मिनट्स के बच्चे अभी आ चुके हैं, अभी यहाँ पे आएंगे वो, तो मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे 13 to 14 चिक्स है, देख सकते हैं आप, लेकिन छुपे हुए अभी वो, क्योंकि मैं वीडियो और आवाज़ बहुत है ना, और ये गर्मी की बगैर, इनकी गर्मी के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये गर्म टेम्परेचर में रहते हैं, 52 की टेम्परेचर में रहते हैं। और ये ब्रीड बोल रहे हैं तो ये हैं अपने कड़कनाथ ब्रीड, 10 to 12 डेज के चिक्स से, 13-14 हैं, सब पीछे छुपे में हैं, बड़ी आवाज़ की वजह से, सॉरी गाइस। और गाइस अभी 10-15 मिनट्स के बच्चे भी आ रहे हैं, बताऊँगा मैं आपको बाद में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हमारी इस चिक्स को हम खाना दे रहे हैं, ये चावल और जवारी है, ये खाते हैं ये बहुत, चावल बाजरा और मक्का है ये, यहाँ पे रखेंगे। और अभी हम लोग इसके लिए खा रहे नहीं है ये चिक्स, हमारे पास 13 to 14 चिक्स है। देखिए अरे अरे बाहर आ रहे, देखिए और देखिए वो अभी चुप गए, देखिए इतने सारे चिक्स हमारे पास, 13 to 14 चिक्स है, 10 to 12 डेज के हैं ये। अभी हमारे पास और छोटे छोटे चिक्स है, अभी मैं आपको उसकी वीडियो भी बताता हूँ, अभी 10 to 15 मिनट्स ही हैं उन चिक्स को आए हुए इस वर्ल्ड में, वो भी बताता हूँ उनकी वीडियो, और हमारे फार्म भी बताता हूँ कि हमारे पास कितनी मुर्गियाँ हैं, कितने मुर्गे हैं, सब बताता हूँ। यो गाइस ये आपको देखिए, इनकी माँ के साथ ये दोनों चिक्स है, उसके छोटे बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं आधे घंटे के, देखिए क्यूट चिक्स है, उनकी माँ है सामने, और ये दो चिक्स उनके, देख सकते हैं। ये हमारा काला मुर्गा बहुत खतरनाक है, कड़कनाथ ब्रीड है, वो लाल मुर्गा है और वो लाल मुर्गे का बेटा, ये देखिए उनकी माँ ही है, अभी जन्म दिया है उसने, ये देखिए द क्यूट से, ये काला मुर्गा देखिए आ रहा है, काला मुर्गा, लाल मुर्गा है वो, देखिए लाल मुर्गा। उसके बाद हमारे पास उसका लाल मुर्गे का बेटा काला मुर्गा, लाल मुर्गा ही भी है, उनके बच्चे देखिए क्यूट से बच्चे, देखिए काले मुर्गा और लाल मुर्गा ये बहुत एक साथ जखड़ते हैं, देखिए इधर उसकी मुर्गी के पीछे लगा हुआ है, वो लाल मुर्गी का बेटा है, 6 मंथ्स का है सिर्फ, और ये उसके दोनों इस मुर्गी के दो चिक्स, देखिए अटैक कर रही है, हम उनके चिक्स अगर लेते हैं ना तो इनकी मुर्गियाँ माँ अटैक करती है, तो ऑब्वियसली एक माँ को करना चाहिए क्योंकि उसके बच्चों से उसे बहुत प्यार होता है। अभी देखिए काला मुर्गा हमारे नज़दीक आ रहा है, देखिए मुर्गियाँ सब, ये हमारा पूरा फार्म है, हमारे पास 20 to 25 मुर्गियाँ हैं और 3 मुर्गे हैं, तब तक के लिए मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी हमारे पास वो चिक्स हमारे नाना पकड़ रहे हैं, बाद में करते हैं। तो अभी न्यू बॉर्न आधे घंटे के बेबीज आ चुके हैं हमारे यहाँ, देखिए कितने क्यूट बेबीज हैं, ये बहुत मज़ा आ रहा है, ये कितने क्यूट हैं, मार से बिल्कुल नहीं है, ये अपनी माँ से अलग हुए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो प्यारे बेबीज। अभी हम अंदर लेके जा रहे हैं,
तो हम मैंने आपको बताया था ना अंदर, वो वहाँ पे ये इस डब्बे के अंदर रखते हैं उन्हें हम, ठीक है, ये न्यू बॉर्न बेबीज को इधर रखते हैं 1 वीक तक। उसके बाद 1 वीक के बाद वहाँ पर डाल देते हैं। तो अब लाइट ऑन है थोड़ी की, देखिए अब इनको हीट, इन्हें असल में बहुत हीट लगती है इसीलिए ऐसा है। ठीक, लाइट हो गई है, देखिए इतनी आवाज़ कर रही है, देखो ये देखो इतनी आवाज़ कर रहे हैं न्यू बॉर्न बेबीज। अब हम इन्हें पानी पिलाएंगे, इन्हें पानी पिलाएंगे, देखिए इन्हें ये खुद से पानी नहीं पीते क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज हैं, इन्हें पानी पिलाना पड़ता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कितने क्यूट बेबीज हैं, क्यूटी फोर किड्स हैं, चिक्स हैं। ठीक है, अब शायद ये पानी पीएंगे। सर में मुझे भी बहुत गर्मी हो रही है, हमारे नाना का हमारा ये फार्म देखिए। और फिर यहाँ पे जो 1 वीक के बाद यहाँ पे डाल देते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं इनको। देखिए यहाँ पे पूरी इनकी सब लोग पूरी पलटन खेलती रहती है यहाँ पे। 25 डेज के हैं ये सब, 25 डेज के हैं, तो सॉरी मुझे पता नहीं था, 10 to 12 days बोल दिया मैंने। 25 डेज के किड्स चिक्स हैं, 13 to 14 चिक्स हैं। इनके हम खाने में बाजरा, गेहूं, ये सब चावल वावल देते हैं। और फिर इनका जब इनका नीचे खाना ख़त्म हो जाता है पूरा, नीचे से भी ले रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात ये जंगली ब्रीड है, तो ज़रा कुछ भी खा लेते हैं। और ये जब इनका ये ख़त्म हो जाता है यहाँ का वो नीचे का ज़मीन का, तो हम ये ऐसा यहाँ पे डाल देते हैं। तो गाइस मैं आपको अभी बहुत अच्छा है, मैं अभी आपको बाहर से यहाँ देखिए ये सब है, ये बाहर से ये टूर है, यहाँ से गेट है यहाँ से खोले तो ये सब। अब यहाँ पे एक ये है और एक ये है, देखिए तीन हमारे पास तीन मुर्गे और 20 से 25 मुर्गियाँ हैं। ये दरवाज़ा है, ये पूरी हमने जालियाँ लगा के रखी हैं, अंतर होते ये दरवाज़ा है। फिर ये हम जिस रूम में मैं हूँ यहाँ पे उनका सामान रखा है सबका, रखते हैं हम, ये पानी है यहाँ का, ये हम। फिर यहाँ से दरवाज़ा है, यहाँ पे अंदर घुसे तो यहाँ पे ये रखा है, ये है यहाँ पे हमारे चिक्स को हम इस डब्बों में डाल के रखते हैं, डब्बा वो अभी यहाँ पे चिक्स पकड़ रहे हैं इसलिए। और फिर यहाँ पे ये लाइट्स का बटन है, एक यहाँ पे लाइट है ये ऑन है। और फिर ये जो लाइट है यहाँ पे चिक्स रखते हैं उसके लिए भी यहाँ पे एक लाइट लगा रखी है, कौन अभी ऑफ हो गई। और ये आपने ऑब्वियसली हमारे चिक्स देख लिए, यहाँ पे ये बहुत ही ख़तरनाक लगा रखा है, मज़ाद है। यहाँ पे एक फ़ैन है लेकिन हम ऑन नहीं करते। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टूर दिया था आपको, अभी मैं सामने से आपको टूर दे रहा हूँ टूर। तो गाइस सामने से ऐसा दिखता है, ये साइड से ऐसा है और साइड से वो ग्रीन कलर की जाली लगी हुई है क्योंकि हमारे पास वहाँ पे चिक्स हैं, उनकी उन्हें गर्मी लगती है। और फिर अंदर लाइट्स हैं सब है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात गाइस, हमारे पास हमने जो है हमने वाटर प्योरीफायर्स लगाए हैं इनके लिए। सामने के आपको 2 दिख रहे हैं ना, आपको ये दिख रहे हैं आपको, इनके अंदर जो है ऑटोमेटिकली जाने जैसे पानी ख़त्म हो जाता है आ जाता है। आपको पाइप दिख रहा होगा ऊपर, पाइप से लगे हुए, देखिए हमारे काले मुर्गे साहब। और गाइस बहुत अच्छा है हमारे पास, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने ये भी लगाए रखी है हमारे फार्म पर, तीन मतलब अपने फोकस लगा के रखे, 1, 2, 3। तो गाइस आपको हमारे पोल्ट्री फार्म का टूर कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। इसलिए हमारे चैनल द किंगर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और साथ ही साथ हमारी आज टाइप्स ऑफ चिप्स ईटर्स वीडियो भी आने वाली है, उसे भी देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है हमारी कड़कनाथ ब्रीड। तो गाइस तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।